सभी मुरैना जिले वासियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले अंबेडकर जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, मुरैना जिले के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे जो 7 पेशेंट थे जो पहली बार रिपोर्ट में नेगेटिव आए थे, उनका दूसरा रिपोर्ट भी नेगेटिव आया है, जिसका मतलब है कि उनको आज हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं और हमारे डॉक्टर्स की मेहनत, हमारी पूरी मेडिकल टीम की मेहनत के वजह से वो इस कोरोना के बीमारी से लड़ते हुए वो जो हैं स्वस्थ होकर आज अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन उनको अभी भी एहतियात के स्वरूप 14 दिन का ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और डॉक्टर्स जो हैं नियमित उनका चेकअप और उनका हालचाल पूछते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे शेष 7 पॉजिटिव पेशेंट हैं, जो उन्हीं के परिवार के लोग हैं और एक मोहम्मद सफ़ी जी के लोग हैं, ये बाकी 7ों पेशेंट भी जो हैं वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो रहे हैं। उनका प्रथम बार सैंपल भेजा गया है और मुझे उम्मीद है कि वो उनका रिजल्ट भी जो है हमारे जिला अस्पताल में जब पहुंचेगा तो हम मान सकते हैं कि हम अपने पूरे ज़िले को जो है कोरोना मुक्त कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे 7 पेशेंट आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, स्वस्थ होके वो वापस अपने घरों में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी और उपलब्धि है। मैं पुनः मेरे पूरी मेडिकल टीम और जितने भी ऐसे सहयोगी सरकारी कर्मचारी, जन सहयोग करने वाले हमारे समाज सेवी, हमारे बहुत सारे NGOs, रोटरी, लायंस क्लब, अन्य सभी सामाजिक संगठन जिन्होंने हमारा मदद किया, किसी ने मास्क देके, किसी ने सैनिटाइजर देके, बहुत सारे लोगों ने धनराशि देकर मदद की, बहुत सारे लोगों ने खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राशन उपलब्ध कराया, बहुत सारे लोगों ने फूड पैकेट्स भी दिए, तो इन सबका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा है इस जंग में, इस कोरोना के खिलाफ जंग में इन सब लोगों की भागीदारी रही है। इन सबको जो मैं पुनः शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता है, आप सबके सहयोग की जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका सहयोग। जिन लोगों ने मान लीजिए किसी प्रकार से दान नहीं किया, जिन लोगों ने एक्टिवली अगर कोई मदद भी नहीं किया, सभी का एक इनडायरेक्ट मदद रहा है घरों में रहकर। आपने लॉकडाउन का पालन किया, आप अपने घरों में रहे, आपने जो है घरों के अंदर रहने का सुरक्षा कवच को माना, ये भी आपका एक योगदान है कि हमारा संक्रमण जो है अन्य शहरों के तरह, अन्य राज्यों की तरह वार्ड 47 से बाहर फैला ही नहीं है। लेकिन खुशी के साथ साथ मैं आप सबको अलर्ट भी करना चाह रही हूँ कि हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, जंग हमने आधी ही जीती है। अभी बाकी 7 पेशेंटों को हमको स्वस्थ करके उनको लौटाना है और उससे भी बड़ा जंग जो है ये संपूर्ण तरीके से, ये 14 के 14 पेशेंट भी ठीक हो जाएंगे तो भी हम लोगों को एहतियात इसलिए बरतना पड़ेगा कि ये बीमारी जो है शहर के किसी भी कोने में या जिले के किसी भी कोने में पनप नहीं पाए। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना ही होगा और उसमें आपको पता चल गया है कि लॉकडाउन आगे और 19 दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है और सेम सख्ती जो है 20 तारीख तक रखा जाएगा। 20 तारीख तक शहर के जितने भी नियम हैं उसमें किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जाएगी। मैं पुनः बता रही हूँ मुरैना शहरवासियों को, मेरा आप सबसे निवेदन है, जैसे आपने ये 21 दिन नियमों का पालन किया है और लॉकडाउन का पालन किया है, कर्फ्यू का पालन किया है, इसको आपको 20 तारीख तक कम से कम इसी पैटर्न पे आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद जो है केंद्र और राज्य के द्वारा प्रत्येक जिला, तहसील, कस्बे का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद किस जिले को, किस तहसील को, किस शहर को कितना छूट मिलेगा इस पे जो है डिसाइड किया जाएगा। इसीलिए अगर इस दौरान मान लीजिए हम लोग आज बहुत खुश हो गए कि हमारे आधे पेशेंट्स जो है ठीक हो गए और अगर हम जश्न मनाने लग जाए, हम घरों से बाहर निकलने लग जाए, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, तो ये सब चीज़ की मॉनिटरिंग सिर्फ मेरे द्वारा नहीं, केंद्र सरकार की एजेंसीज और राज्य सरकार की एजेंसीज के द्वारा की जा रही है। तो फिर वो देखेंगे कि नहीं, यहाँ पे तो लॉकडाउन का पालन सख्ती से नहीं हो पा रहा है, तो फिर हो सकता है जो छूट और रियायत हमको मिल
सके वो भी हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए समझदारी दिखाइए और 20 तारीख तक के लिए तो बिल्कुल तैयार रखिए रहिए कि आपको कर्फ्यू के अंदर ही रहना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है, ताकि इस बीमारी को हम जड़ से समाप्त कर सके। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमने वार्ड 47 और उसके आसपास के 4 वार्डों का डिटेल्ड घर घर सर्वे किया था, वैसे ही हम बाकी शहर में भी कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है 35,000 से भी अधिक लोगों तक पहुंच गए हैं और बहुत शीघ्र ही हम ये पूरा सर्वे कंप्लीट करेंगे। हमने इंटरनली मुरैना जिले जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ये तय किया है कि 20 तारीख से पूर्व जो है हम अपने शहर का पूरा सर्वे कर लेंगे, ताकि सर्वे में अगर हमको कोई संदिग्ध हम पाते हैं, संदिग्ध ऐसे कि इसको सर्दी खांसी या निमोनिया जैसे लक्षण है, तो उसका हम सैंपल कर ले और उसकी हम पुष्टि कर ले कि उसको सिर्फ निमोनिया है कि उसको कोरोना है। क्योंकि अगर कोरोना है तो हमको और एहतियात बरतना पड़ेगा और रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है तो हम कंफर्टेबली बिना डर के बिना भय के जो है अपने शहर को मुक्त कर पाएंगे सारे बंधनों से, सारे रिस्ट्रिक्शन से, सारे आदेशों से, और फिर धीरे धीरे लाइफ जो है नॉर्मलसी की ओर आ सकेगी। तो इसीलिए मेरा आपसे सबसे पुनः निवेदन है कि आप धैर्य रखिए, संयम रखिए। आपको 20 तारीख तक तो इसी कर्फ्यू के अंडर रहना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 20 के बाद उम्मीद कर सकते हैं तो कि कुछ कुछ चीज़ों में जो है छूट मिलना शुरू हो जाए, और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी दूसरी खुशखबरी भी हम लोगों को मिलेगी कि हमारे बाकी पेशेंट भी जो है नेगेटिव हो गए हैं। धन्यवाद।